हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये PHY 101 फाइन एटम के प्रिपरेशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं आज की वीडियो के अंदर। कौन से देखेंगे इस वीडियो को, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चार्ज डेंसिटी, तो ये चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि कंटिन्यूस डिस्पर्समेंट ओवर अ रीजन ऑन लाइन सरफेस ऑफ मैटर इन साइड स्फीयर वी मस्ट स्पेसिफाई द चार्ज डेंसिटी। यानी क्या होती है कि एक स्ट्रेट लाइन यानी कि लाइन के थ्रू है और उसके अंदर सरफेस ऑफ मैटर भी आ रहा है इन साइड स्फीयर के अंदर, तो उसको चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। और द एनी वैक्टर फील्ड इन अ पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इट इज़ मेजर ऑफ फ्लक्स फ्लो एंड पेनिट्रेशन इन द फील्ड ऑफ वैक्टर थ्रू द इमेजिनरी फिक्स सरफेस। यानी मतलब पेनिट्रेशन नोट करने के लिए फील्ड ऑफ वैक्टर के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। और द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और सिंपल पोटेंशियल इन द एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब क्या है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्टेज इज इक्वल टू एनर्जी गेन बाय मूविंग वन इलेक्ट्रॉन चार्ज थ्रू वर्ल्ड। यानी मतलब एक समझ ले इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उससे जितनी एनर्जी मिल रही है तो वो वन वोल्टेज यानी कि जो उसके घूमने यानी कि घूमने या मूविंग करने यानी हिलने जुलने से उसकी जो होती है तो वन इलेक्ट्रॉन चार्ज थ्रो वन वोल्ट के बराबर है। टू कंडक्टर इंसुलेट फॉर वन अनदर एंड फॉर्म देयर सराउंडिंग फॉर्म अ कैपेसिटर। यानी कि दो जो है वो कंडक्टर इंसुलेट हो जाए वन अनदर के अंदर फॉर सराउंडिंग फॉर अ कैपेसिटर बन जाए। इलेक्ट्रिकल करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। यानी जो इलेक्ट्रिकल करंट आपका दौड़ रहा है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज बना रहा है। बी केयरफुल टू अंडरस्टैंड द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ठीक है, इन जनरली द करंट मे बी डिपेंड अपॉन द अप्लाइड वोल्टेज इन कॉम्प्लिकेटेड वे। यानी कि मतलब ओम्स लॉ के अंदर जो बताया गया है कि जो करंट है वो जनरली डिपेंड करता है किसके ऊपर, अप्लाइड वोल्टेज पे। अनदर वे टू से क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस मे बी डिपेंड अपॉन द करंट। यानी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कर सकती है किसके ऊपर, करंट के ऊपर। किरचॉफ ऑफ लॉ क्या कहलाता है, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनकाउंटर्ड इन मूविंग अराउंड अ क्लोज सर्किट इज़ ज़ीरो। यानी कि क्या कह रहा है कि जो पोटेंशियल है डिफरेंस का इनकाउंटर्ड हो रहा है किसके ज़रिए, मूविंग अराउंड द क्लोज सर्कल इज़ ज़ीरो होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो एक्सपेक्ट अ फोर्स अपॉन एनी चार्ज दैट मूव इन द फील्ड होगी। यानी कि मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स और चार्ज मूविंग इन द फील्ड के बराबर होगी, और द ग्रेटर द साइज ऑफ द चार्ज एंड द फास्टर मूविंग द लार्ज ऑफ द फील्ड। यानी जितना बड़ा साइज होगा उतनी जल्दी मूवमेंट होगी इसके अंदर। ठीक है, फैराडे लॉ विच इंड्यूस EMF व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन अ सर्किट एंड इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स इज इंड्यूस विच इज प्रोपोर्शनली टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यानी कि फैराडे लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है चेंज इन सर्किट आ रहा है एंड इलेक्ट्रो मूविंग फोर्स इज इंड्यूस यानी कि उसके बराबर इंड्यूस होगी विच प्रोपोर्शनेट टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। यानी जितना चेंज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट में यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है उतना ही चेंज उसके फ्लक्स के अंदर भी आएगा। अल्टरनेशन करंट जो होता है वो इज द करंट दैट फ्लो इन वन डायरेक्शन अलॉन्ग विद वायर एंड देन इट रिवर्स्ड डायरेक्शन। यानी कि जो अल्टरनेटिव करंट समझ लें अल्टरनेशन करंट जो होता है वो किस में करता है, वो वन डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जाता है। मतलब आप समझ लें कि ए पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक वो एक ही उसके अंदर जाता है और फिर रिवर्स भी, देन इट इज़ रिवर्स डायरेक्शन और फिर वो रिवर्स आता है डायरेक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म एन अनपोलर सोर्स।
किया होगा, बर्निंग कैंडल ऑन अ माइक्रोवेव कैन बी पोलराइज बाय पासिंग थ्रू सिंपल पोलराइज ऑफ द काइंड ब्लो, यानी कि मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो अनपोलर होती हैं, ठीक है, लेकिन उनको पोलराइज किया जा सकता है, ठीक है, बर्निंग कैंडल या फिर माइक्रोवेव ओवन की वजह से। वे लाइट ट्रेवल वेरी फास्ट बट इट स्पीड इज़ नॉट इनफाइनाइट, अर्ली अटैम्प्ट टू मेजर द लाइट स्पीड यूजिंग द अर्थ बेसिस एक्सपेरिमेंट फेल। इन 1670 द एस्ट्रोनॉमर रोमर स्टडीज द टाइमिंग ऑफ इक्लिप्स ऑफ वन ऑफ द जुपिटर मून इज आयो। जो लाइट जो है वो तकरीबन 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलती है, और अब तक की साइंटिफिक रिसर्च की और कहा जाता है कि यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है मूविंग के लिए, ठीक है। तो अर्ली जितने भी एजेस थे उसके अंदर बहुत मुश्किल होती थी, यानी कि मुश्किल क्या तकरीबन ही नाकाम है, क्योंकि 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड को मेजर करना उस दौर के अंदर 1670 में काफ़ी मुश्किल होता था, लेकिन जो रोमर स्टडीज टाइमिंग ऑफ इक्लिप्स ऑफ वन जुपिटर प्लैनेट इस कॉल्ड आईओ कहला जाती है। एट टेम्परेचर लोअर देन 80 सेंटीग्रेड इन्फ्रारेड आईआर लाइट इज इमिट ओवर लाइट कैन नॉट सी थिंग, दिस काइंड ऑफ इमिशन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि जो 800 डिग्री से कम जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर इन्फ्रारेड रोशनी होती है, ठीक है, वो देख नहीं सकते नेकेड आई से, ठीक है, ऑब्जर्व तो कर सकते हैं लेकिन नेकेड आई से आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, और वो कहलाई जाती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। व्हेन कैन यू सी विन्स लॉ मोर जनरली व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट अ बॉडी टू इमिट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आंसर क्या है, ओनली फॉर ऑब्जेक्ट डेट इमिट लाइट नॉट फॉर दिस मेयरली रिफ्लेक्ट लाइट, यानी जो खुद लाइट निकाले और रिफ्लेक्ट ना करे। थर्मोडाइनमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट एंड हाउ इट्स फ्लो, द फर्स्ट थर्मोडाइनमिक्स इज अलाउ यू टू एक्नॉलेज दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कन्वर्ट। तो थर्मोडाइनमिक्स का जो पहला प्रिंसिपल है वो हीट को बताता है कि ये एक एनर्जी है, ठीक है, और अब थर्मोडाइनमिक्स का प्रिंसिपल जो है वो मोस्टली आपकी अगर सिंपल डे टू डे लाइफ के अंदर देखा जाए तो वो आपके गाड़ियों के इंजन, बाइक का इंजन हो, गाड़ी का है, ट्रक का हो, उसके अंदर इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसके अंदर आप पेट्रोल जला के हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उस हीट एनर्जी की मदद से स्पार्क की मदद से या छोटा समझ लें छोटे छोटे स्पार्क्स होने या धमाके होने की वजह से वो गाड़ी जो है वो आप चला पाते हैं, तो वो कॉमन एग्जांपल कह जाती है थर्मोडाइनमिक्स। आर रेफ्रिजरेटर इज़ अ हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स, वर्क इज़ डन बाय एन इलेक्ट्रिकल मोटर टू पंप हीट फ्रॉम अ कोल्ड रिजर्व इनसाइड ऑफ रेफ्रिजरेटर टू एक्सट्रैक्टर। अच्छा, जो रेफ्रिजरेटर होता है वो मतलब जैसे आपने देखा होगा कंप्रेसर जो होता है वो या कंडेंसर जो होता है वो किस लिए लगा होता है, वो समझ लें आप रेफ्रिजरेटर का काम ये होता है कि हीट को निकाल देना और जब हीट निकल गई तो ख़ुद ब खुद ठंडक हो जाएगी, ठीक है। अब एसी भी यही करता है, ठीक है, एसी भी यही करता है कि गर्म जितनी भी, अब जैसे आप एसी अगर आज कराची के अंदर जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है तो काफ़ी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ये ऑब्ज़र्व क्या होगा कि अगर आप गर्मी निकाल दें सारी तो वहाँ पर बच जाएगी ठंडक, तो यही प्रिंसिपल पर रेफ्रिजरेटर और एसी काम करता है। एवेपरेशन, इफ़ यू लीव वाटर इन अ ग्लास इट कैन नॉट लॉन्गर आफ्टर सम टाइम, वाई द वाटर मॉलिक्यूल्स विद अ हाई इनफ काइनेटिक एनर्जी कैन ब्रेक फ्रॉम वाटर टू एस्केप। अच्छा, एवोपरेशन ऐसी बात है वो है कि मतलब हवा जो है वो पानी जो है वो भाप में बदल जाए, पानी या कोई भी लिक्विड जो है वो भाप में बदल सकता है, ठीक है। अब हर किसी का बॉइलिंग पॉइंट, हर किसी का एवोपरेशन, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए तो फ़ौरन उड़ जाता है, पानी पे थोड़ा टाइम लगता है, तो ये प्रोसेस है एवोपरेशन का। इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वी इंटरप्रिटेट द एंट्रोपी एज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, अ गैस विद ऑल एटम एट रेस्ट इज
consistent order. While a hot gas having atom buzzing around in all direction in more disorder and generally in greater than entropy. यानी कि मतलब क्या, जैसे एक गैस है वो नॉर्मल कंडीशन में आपने रखी हुई है तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो उड़ना शुरू हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलना, एक्सपैंड होना शुरू हो जाए. लेकिन जो हॉट गैस है उसके एटम जो है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर हिलना शुरू हो जाएंगे. जैसे आते आप जब गर्म करेंगे तो वो बॉयल होगा तो उसके एटम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी तो वो इधर उधर भागना शुरू हो जाएंगे, तो बजिंग अराउंड होना शुरू हो जाएंगे जो इसमें लिखा हुआ है ना. तो उससे क्या होगा, उससे वो जल्दी से जल्दी एंट्रोपी की तरफ जाएंगे. द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज क्रिएटेड बाय आइंस्टाइन when he was very young man in 1905. It is one of the most solid pillar of physics and has been tested thousands of times. Special relativity, जिसके अंदर आइंस्टाइन के अंदर बताया गया था कि एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई लाइट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है और दुनिया यूनिवर्स की जो स्पीड है वो लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकी. यानी मतलब लाइट जो है वो उसकी अल्टीमेट स्पीड है इस अगर आप तेज़ी से इस तेज़ी से भी जा सकते हैं तो वो मोस्ट आप लाइट की रफ्तार तक ही पहुंच सकते हैं. वैसे वो तकरीबन नामुमकिन है अगर, क्योंकि 99.99% तक आप लाइट की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, 100% लाइट, क्योंकि उसके लिए आपको फोटोन पार्टिकल है वो मासलेस होना पड़ेगा और मासलेस हो तो फोटोन पार्टिकल तो जैसे थे लाइट के होते हैं वो मासलेस ही होते हैं. तो वो है, ये है, तो वो उसने काफ़ी रेवोल्यूशन किया था फिज़िक्स के अंदर. और वी थिंक ऑफ पार्टिकल्स एज मैटर हाईली कंडेंस कंसनट्रेटेड इन सेम वॉल्यूम ऑफ स्पेस एंड वेव आर बींग हाईली स्प्रेड आउट. थिंक ऑफ क्रिकेट बॉल और वेव इन ओशन टू आर कम्प्लीटली डिफरेंट. ठीक है, यानी क्या कहना चाह रहा है कि मतलब एक वेव नेचर है जो आपकी हो गई और एक क्रिकेट बॉल है, उसके अंदर आपने मैटर को स्क्वीज़ करके या फिर समझ ले बहुत ज़्यादा दबा के उसको रखा हो. द वर्ड क्वांटम मीन्स पैक और बंडल. क्वांटम मैकेनिक्स इज द ट्रू फिजिक्स ऑफ माइक्रोस्कोप वर्ल्ड. टू गेट एन आइडिया ऑफ द साइज इन दिस वर्ल्ड यू स्टार्ट फ्रॉम एटम विच इज़ नॉर्मली कंसिडर वेरी स्मॉल पार्ट बट एज यू सी द एटम न्यूक्लियस इज 100,000 टाइम स्मॉलर देन द एटम. यानी कि वह जो क्वांटम मैकेनिक्स की बात की जाती है तो उसके अंदर ये किया जाता है कि बहुत छोटे लेवल पे, और छोटे लेवल कहाँ से स्टार्ट होता है, नॉट ये कि कहाँ तक जाता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है एक एटम के स्ट्रक्चर से. और जो एटम का स्ट्रक्चर है उससे एक लाख गुना कम जो है वो न्यूक्लियस होता है उसका एटम का. तो ये है क्वांटम मैकेनिक्स. न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर येट अनदर 10 टाइम्स स्मॉलर देन द न्यूक्लियस. वी नो द न्यूक्लियस आर मेड ऑफ क्वार्क्स पार्टिकल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बट एज येट वी नो इफ द क्वार्क्स पार्टिकल हैज़ हैव अ साइज इफ ही हैज जस्ट पॉइंट अ पार्टिकल. ठीक है, तो अब न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो उससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं. और हम अब जानते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बैठे हुए हैं वो किससे बनते हैं, वो क्वार्क्स पार्टिकल से बनते हैं. आपने पढ़ा होगा क्वार्क्स पार्टिकल के बारे में. क्वांटम मैकेनिक्स प्रिडिक्ट व्हाट इज कॉल्ड टनलिंग ऑफ अ पार्टिकल थ्रू अ पोटेंशियल बार. क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मींस अ मेजर ऑफ लाइकलीहुड इन इवेंट विल अकर. यानी क्वांटम लेवल के अंदर, अच्छा क्वांटम लेवल के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं. चेंज इस हिसाब से होती हैं कि आम फिज़िक्स के रूल जो है वो क्वांटम पे अप्लाई ही नहीं होते. ये है बात. रदरफोर्ड हैज़ डिस्कवर्ड द एटम न्यूक्लियस. जो रदरफोर्ड थे साइंटिस्ट है उन्होंने ही डिस्कवर किया था एटम
का न्यूक्लियस. एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस विद अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द सेंटर ऑफ वेरी स्मॉल बट हैवी न्यूक्लियस दैट हैज प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस न्यूट्रॉन रेफर टू बोथ. ठीक है, तो एटम जो है उसका समझ लें तकरीबन ही वो खाली होता है. एटम जो है वो 99, मैंने जहाँ तक पढ़ा था 99.99% जो है वो एटम खाली ही होता है, बस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसका न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद होते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़.